तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आप लोगों को हम सब की तरफ से ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को, ईद उल अजहा बहुत बहुत मुबारक हो। तो हो गई हमारी सुबह और तैयार वैयार होके बैठे हैं। बस तैयार होके बैठे हैं, लेकिन जाएंगे कहाँ, बारिश हो रही है, कहीं जाने लायक है नहीं। बारिश रुक भी मैं रही तो गया, बस सीधा आके सीधा सो गया। सो के अब भी जस्ट उठा हूँ, फिर अभी फ्रेश हुआ हूँ और बना रही हलीमा अभी खाना। मतलब थोड़ा सा मटन आया हुआ था तो उसको बना रही है, अब वो खाऊंगा, उसके खा के फिर मैं थोड़ा बाहर निकलूंगा और कंटिन्यू अभी ब्लॉग करेगी मुस्कान, क्योंकि अभी हलीमा रेडी नहीं हुई है, तैयार भी नहीं हुई, तो उतना बनाने खाने में उसमें बिजी है। सुहान तैयार होकर चले गया अंधेरी अपने दोस्तों के साथ, अब इसको जाना है। मेरे को कहाँ जाएगी, इतना बारिश हो रहा है, किधर जाने का, बारिश भरे भरे कपड़े पहन के पूरा कीचड़ कीचड़ है, मेरे को खुद नीचे जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना मैं अभी जा रही हूं, गली में इतना घान हो गया है पूरा एकदम, बहुत मेरा हो गया तैयार, हो गई वीडियो बना ली, फोटो खींच ली, हो गई मेरी। अभी मैं भी कपड़ा चेंज कर लूंगी, मुझे क्योंकि अभी बारिश में कहीं जाने का मन नहीं करता है, किधर भी नहीं जाने का, बस खाओ पियो घर में सो जाओ आराम से, कहीं जाओ नहीं। मैंने पूरा हेड वेयर सब सूखा रहता है, अच्छा मौसम रहता है तो कहीं भी अच्छा लगता है जाने में, बट बारिश में कहीं नहीं अच्छा लगता है। जिसके घर पे कुर्बानी आज के दिन थी, सुबह सुबह में बारिश हो रही थी, क्या हाल हुआ होगा उनका, उनको बहुत तकलीफ हुई होगी, पूरा किचकिच किचकिच हो जाता है घर एकदम पूरा। तो चलिए गाइस आगे कंटिन्यू मिलेगी मुस्कान। गाइस मैं पूरा अभी मतलब दोपहर में व्लॉग उतना ही स्टॉप कर रही थी, कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने खुद मैं रेडी हुई, फिर मैं खुद देख सकते हो मेरी अभी हालत, मैंने पूरा मेकअप निकाल दी, कपड़ा चेंज कर ली, क्योंकि जो मैंने कपड़ा पहनी थी वो मुझे थोड़ा सा फिटिंग हो रहा था, तो मेरे को ज़रा भी फिटिंग होता है मुझे घबराहट होती है, और मेकअप भी मुझे बहुत, मैं ज़्यादा मेकअप में रहती नहीं हूँ, बहुत कम करती हूँ, तो जब मेकअप करती हूँ तो मैं एक से डेढ़ घंटे के सिवा मैं मेकअप नहीं रख पाती हूँ, मुझे बहुत हैवी हैवी फील होता है। तो मैंने निकाल दी पानी भर, और पानी भर के जो सोए हैं ना हम लोग सब, वो भी उठे हैं, और आज हम मेरे बड़े मामू के इधर पे भी शाम में मतलब बुलाए हुए थे, मामी ने फ़ोन किए थे आने, और मेरे मालोनी वाले मामू मामी भी आए हुए अभी खाला के घर पर बाजू में, उन लोग अभी इधर पर, उन लोग भी आए गए, और मेरी मम्मी भी कपड़ा पहन के बैठे, रेडी नहीं हुए वो, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। वालेकुम आप सबको बकराई मुबारक, कैसी गई आप लोगों की, हम लोग की ईद तो मतलब जैसे लगी नहीं थी कि आज बकरा ईद है, जिसकी बता ना जिसका बकरा है उसके घर में बकरे थे, हाँ ऐसी है। मैं तो सुबह उठ के काम वाम करी, चाय बना के पिए हम लोग ने, फिर उसके बाद गोप तो जल्दी आ गया, ये बारी 11:30 बजे गोस आया, मेरी बड़ी भाभी की जैसे गोस आ गया था, तो मैंने फटाफट कुछ सालन और चावल बना डाली, बना बना के थोड़ा सा नहाई धोई, फिर इसके बाद तैयार हो, तैयार तो हुई नहीं, मैं अभी उठ के बैठी हूँ, पानी भर के सो गए थे सब लोग, पानी भर के मैं थोड़ा देर 2 घंटा सो के उठ गई, क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी और रात में बारिश भी बहुत आ रही थी ना, तो नींद भी नहीं आ रही थी बारिश की वजह से मेरे को, क्यों, क्योंकि बहुत नींद, बहुत बारिश हो रही थी, जोर जोर से बारिश हो रही थी ना, अच्छा इसी पूरा खिड़की के अंदर से एकदम पछाड़ जैसा हो रहा था मेरे को, तो नींद ही नहीं आ रही थी मेरे को, रात भर भी मैं सोई नहीं, मेरे को जब जोर से बारिश होती है ना दम 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 डर लगता है, तो मेरे को मतलब नींद ही नहीं आती है, ऐसा हो जाता मेरे को। और हम लोग के घर में ईद तो खाली सुहाग की मनी है और किसी की नहीं, अब्बा तो है नहीं, अब्बा दोपहर में चले गए बाहर, और मैं तैयार हुई, फोटो खींची, रील्स बनाई, वापस से अपने नए जैसे रूप में रहती हूँ वैसी आ गई, सुहान गया था मॉल, गया था अपने दोस्तों के साथ, मैं भी सोची थी कहीं जाऊँगी घूमने के लिए, अभी कैसे रमज़ान ईद में तो फिजा वगैरह के साथ ही मैरी भी थी, सोचे थे हम लोग जाने का, बट ऐसा ना हैवी कपड़ा पहनो फिर वो कीचड़ में से चलो तो वो समझ में ही नहीं आता है, बट कोई ना बारिश आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, तो ठंडा उतना भी लग ही रहा है, इस वजह से हम लोग कहीं नहीं गए, तैयार हुआ मैं फ़ोटो वोटो खींची, अब मैं बैठ गई और अम्मी अभी बैठे हुए, और यहाँ पे मैरी भी है। हे गाइस कैसे, तेरी कैसी गई, तेरी जैसी गई, मेरी जैसी ईद गई, उसकी मैरी तो तैयार भी नहीं, सबको ईद मुबारक। हाँ ना, हम लोग कहीं नहीं जा पाए ना, जाना तो था, मैं आप लोग को दिखाई, आज सुबह से बारिश रुक गई, रुक की थी, लेकिन अभी रुको मैं आप लोग को दिखाती हूँ, आप लोग पूरा मौसम अभी बन चुका है, कितना बज रहा है अभी अम्मी, 7 बज रहे ना, कुछ 7 बज रहा है, और माशाल्लाह पूरा टाइम आज सुबह से थोड़ी सी भी बारिश नहीं थी, है ना, आज बारिश नहीं हुई, चलो अच्छा है, आजकल बरसात नहीं हुई तो बारिश भी हो जाएगी तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, हाँ मतलब बकरे तो कट गए, कोई टेंशन नहीं, जिसकी गर्मी कटने का था बकरा वो कट गया ना, तो अच्छा है वही तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जिन लोगों के घर में बकरे थे
पकड़े लाए थे इन्होंने, उन लोगों के लिए इजी हो गया, वरना बारिश में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यहाँ पे भी एरिया में भी बहुत बकरे माशाल्लाह कटे, तो कैसे अगर बारिश होती ना तो वाकई में बहुत तकलीफ हो जाती है, तो इसलिए बारिश रुकी थी, अल्लाह का करम है। चलो अब मेरे पढ़े भाई की तो जा रही, मैं भी ईद मिल के आ जाती जाके। हाँ तब भी आएगी मालूमी से, तो तब इन लोग आएंगे तो मैं आप लोगों को लो। मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने यही कपड़े पहनी जो मैंने सुबह पहनी थी, क्योंकि अम्मी ने बोले यही पहन, इसकी मैंने सिलाई खोली अस्तिन की भी और कमर की साइड की भी जो रहती है फिटिंग, मैंने वो भी खोली, तब मुझे परफेक्ट आ गया है कपड़ा, तो मैं रेडी हो गई और अम्मी भी रेडी हो गए। और मेरी मामी लोग नहीं आए इधर पे, एक्चुअली क्या हुआ कि उन लोग कब से निकले थे तो ट्रैफिक की वजह से उन लोगों को इतना लेट हो गया इतना, तो उन लोग इधर नहीं आए, सीधा उन लोगों ने रिक्शा अपना पार्ला के साइड में ही लिए, तो अभी हम लोग भी जा रहे, वरना मामी इधर पे ही आने वाले थे बट वहाँ अभी नहीं आए, तो अभी हम लोग जा रहे मैं और अम्मी, तो अम्मी भी तैयार हो गए। चलो चले, हाँ चलिए फिर मिलते हैं मेरे भाई के घर पे भी आप लोग। अल्लाह मेरे कान का। चलो आ गए मामू के घर पे और ये रहे मेरे मामी, ईद मुबारक, और इधर उनके बच्चे मामू। हाय गाइस, ईद मुबारक, ईद मुबारक। खिलौना खेल रहे मामी, ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक। तो यहाँ पे भी सब बैठे। हाय गाइस, ये चलो दिखा ना, ये हम लोग का घर का सबसे सुंदर भैया, देखो ईद मुबारक। अभी क्या बोल रही थी लाली का बताओ, ये बोल रही है कि तुम्हारी लाली क्या हो गई है, हाँ तो तेरी लाली है, तूने मैट लगाई है, मैंने नॉर्मल लाली लगाई हूँ हल्की सी। अरे रे हमारी खाला, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इधर कैमरा कैसे पकड़ने हैं, और ठीक है बेटा सब 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 अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? बस ठीक अल्लाह का शुक्र। क्या हुआ, तू कपड़ा खोल दी? हाँ थक गई ना आके बेचारी, बाप रे। क्या कर रही थी? चड्डी बनियानी पहनी है तूने, टी शर्ट पहनी है, क्या पहनी थी कपड़ा, क्या पहनी थी? गाउन पहनी थी, तो निकाल दी। अल्लाह मेरी तरह ही है, मैं भी सुबह में तैयार हुई फिर निकाल के फेंक के टी शर्ट पहनी, अभी पहन के आई कपड़ा, अभी कपड़ा पहन के आई, मैं भी गर्म भी हो रहा है तो गर्म पैर टूटेगा, हाथ भी टूटेगा, बस पैर टूटेगा हाथ सुपर अच्छे। आप कैसे? अरे हां रे मालूम, घर में ही निकली है ईद तो हम लोग की पूरी। बारिश चालू हो गई, हम लोग तो से आधे गीले हो ही चुके थे, सब हाँ स्वान भी घुमा, स्वान भी घुमा, अल्लाह का शुक्र है आज बारिश नहीं गिर जा रही। सात नंबर पुलिस के हम लोग जा रहे थे, ना कुछ हिंदू लोग का त्यौहार था ना, हाँ हम लोग अपना सात नंबर बंद है। हाँ रे अच्छा लग रहा है रे तेरा कपड़ा, तो कहाँ से ली रे, मुझे भी दिला। कुछ नहीं दिला, बड़ी अम्मी मेरी बड़ी बहन। अच्छा तो गांव से सबको इसको दिला, इसको दे, सबको दिला, मुझे दिला। ऐसा करेगी, पैसा लेगी तो मेरे से अपने निकल रहे मामी के घर से खाना वाना खा लिए, मामी भी सब निकल रहे। चलो चलो और बारिश भी यहाँ पे देख रहे हो, बारिश भी बहुत हो रही है। चलो चलो संभाल के, चलो अल्लाह हाफिज मामू, बाय बाय, बाय बाय। चलो 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 संभाल के संभाल के, इतनी बारिश हो रही है और इन लोगों की मालूनी जाने की हो गई तैयारी, रिक्शा नहीं मिल रही है, तीन छतरे में इतने सारे लोग खड़े हुए छाते में, और वो दो भाईजान और भाई लोग पकड़ रहे रिक्शा, मिल जाए जल्दी से जल्दी, बारिश लग गई है, सुबह से नहीं हुई लेकिन हम लोग रिक्शा पकड़ के निकल गए और अभी हम लोग भी जा रहे हैं, तीन छतरी है, तीनों छतरी में जा रहे हैं, और इतना ज़ोर से कार वाले ने पानी उड़ाया पूरा, मैं गीली हो गई हूँ, तो चलो अभी घर पे जाती हूँ, सीधा मिलती हूँ आप लोग को घर पे जाने के बाद, बारिश से बेहाल हो गए। चलो बाय बाय। हम लोग आ गए घर पे और गीले हो गए थे सब, तो बस अभी फ्रेश हो गए, मैं भी बैठी हूँ, और बज गए 12 और बहुत मज़ा आई आज, बहुत मस्ती की है, मतलब पूरी फैमिली एक साथ मिल जाती है, बहुत मस्ती की। जब गए हम लोग तो सिर्फ बारिश इतनी थी नहीं पता, आने टाइम पे इतनी बारिश हो गई, इतनी बारिश हो गई, बट कोई ना हम लोग आ गए घर पे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खाना वहीं से खा के आए थे, मेरी मामी ने बनाए थे दाल गोश्त चावल, चूहा चूहा पीछे से गया,
मामी ने बनाए थे दाल गोश्त और चावल माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छा बना था। तो मैं बिल्कुल चलो ब्लॉग एंड कर देती हूँ, और बहुत थक गए, बहुत नींद आ रही है, क्योंकि कैसे हो गया, मैंने सुबह में मेकअप करी, फिर मैंने मेकअप निकाली, फिर मैंने कपड़ा चेंज करी, फिर मैंने शाम में कपड़ा पहनी, मेकअप करी, तो मुझे ओवर हो गया। मतलब कैसे मैं इतना मेकअप में रहती नहीं हूँ, बहुत कम मेकअप करती हूँ इस वजह से। तो मुझे मेरे को ना ये आँख वाँख भी बहुत स्वेलिंग जैसा लग रहा है, मेरी ये आइज़ बहुत पेन हो रही है। तो अच्छा, इन लोग तो बिस्तर से डाल के लेट गए, अब्बा भी चले गए ऊपर, अब मैं भी जा रही हूँ ब्लॉग एंड करके, मैं भी सो जाऊँगी। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, और बेल घंटी बटन दबाना मत भूलना। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापिस एक नए वीडियो। To the moonlight, eyes you are real right now.